छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अगस्त माह में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.4% रह गई। इस मामले में अब भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इन आंकड़ों को झूठा तक बतला दिया और सर्वे करने वाली संस्था को फर्जी भी कह डाला। वही कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश से भी कम है, यही कारण है कि भाजपा नेता इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। बेरोजगारी दर को लेकर के कांग्रेस अपने जो पीठ थपथपा रही है और थपथपाने के बाद भी ये बताना कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में 90 चपरासियों की भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ, 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया। आज भी किसी विज्ञापन को जारी करें और कितने लोग उसमें आवेदन कर रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर क्या है। जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं, जो सर्वे किए हैं, वो प्राइवेट है और कितने लोगों से आखिर पूछताछ की है, उसके ऊपर कितना विश्वास किया जाए। लेकिन उस बात को लेकर के सरकार अपने पीठ थपथपा रही है कि पूरे देश में कम बेरोजगारी है और यहां स्थिति यह है कि 14,500 शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई, पुलिस की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई, पीएससी की जो भर्ती नियमित होनी चाहिए उसके कैलेंडर नहीं बना पा रही है, कर्मचारी अधिकारी को जो नियमित रूप से डीए दिया जाता है वो डीए को नहीं दे पा रही है, उल्टा धमकाने का प्रयास से सरकार कर रही है और उसके बाद में अपनी पीठ थपथपाना, मैं ये समझता हूँ कि केवल जनता के बीच में और लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है, यह तथ्य प्रमाणित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद कर दिए गए। अब जबकि भूपेश बघेल की सरकार बनी है, पिछले 3.5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार के हर विभाग में नई नई नियुक्तियाँ खोली जा रही हैं। शिक्षा विभाग में 15,000 भर्ती के बाद फिर से 10,000 नई भर्तियों के लिए आदेश निकाले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वे भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। झारखंड